तो रैलिस इंडिया की फाइनेंशियल ईयर 2023 की थर्ड क्वार्टर की रिवाइज्ड अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। इंडिया पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब करोड़ में है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम चेक करते हैं। सो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 632.47 करोड़ का इनकम जनरेट किया है, और अगर ये सितंबर 2022 की क्वार्टर एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 953.26 करोड़ का इनकम जनरेट किया था एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 633.57 करोड़ का इनकम। तो अभी अगर इस कंपनी की इनकम ग्रोथ देखा जाए तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अनफॉर्चुनेटली बोथ केसेस में, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस में, दोनों के दोनों ही केसेस में नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में डिस्कस करें तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 602.5 करोड़ का खर्चा किया है। सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 857.85 करोड़ का खर्चा किया था एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 580.51 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन तीनों क्वार्टर्स की प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो दिसंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 4.74%, सितंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 10% एंड दिसंबर 2021 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 8.37% के आसपास। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह ही बहुत क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 22.55 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 71.05 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड दिसंबर 2021 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 39.55 करोड़ का प्रॉफिट। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह नेगेटिव में निकल के आ रही है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो अभी अगर इस कंपनी की ईपीएस के बारे में डिस्कस करें, मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर के बारे में बात करें, तो दिसंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 1.16 की, सितंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 3.65 की एंड दिसंबर 2021 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 2.03 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की बाकी ग्रोथ की तरह बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी की जो एंटायर ग्रोथ है वो नेगेटिव में है। कंपनी ने हर एक जगह पे कम या ज़्यादा नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाई है, कंपनी ने कहीं पर भी पॉजिटिव ग्रोथ नहीं दिखाई है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आई है कंपनी की, एंड अगर ऐसे ही ग्रोथ कंटिन्यू रहे तो हो सकता है एक पॉइंट ऑफ टाइम में आकर के ये कंपनी लॉस मेकिंग भी बन जाए। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।